अस्सलामुअलैकुम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सो मैं सोची कुछ अच्छी अच्छी से खाना बनाऊँ और साथ में मैं डेजर्ट भी बनाऊँ। सो डेजर्ट में मैं बनाऊँगी ये चीज़ केक। उसकी सारी इंस्ट्रक्शन पीछे मेंशन की हुई है, मैं वही देखकर बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है कि मैं तैयार हुआ करूँ और उनको सरप्राइज़ दिया करूँ, तो उनको ये सब बहुत पसंद है। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने उनको कोई सरप्राइज़ नहीं दिया था, तो मैं सोची चलो आज भी उनको सरप्राइज़ देती हूँ और उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाती हूँ। सो ये बॉक्स में तीन पैकेट थे, एक थी ब्रेड क्रम, दूसरी थी पुडिंग मिक्स और तीसरी थी स्ट्रॉबेरी पल्प। सो मुझे एक्स्ट्रा जो बाहर से लेना था वो 90 ग्राम्स बटर थे और 400 ml मिल्क थे। तो बस यही सब मिला के मैं बनाती हूँ मज़ेदार सा चीज़ केक। तो मैं ब्रेड क्रम को रख दी हूँ सेट होने के लिए फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए। तब तक मैं ये पुडिंग को अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। मैंने 400 ml चिल्ड मिल्क लिया है और मैं इसको मिक्स करूँगी विस्कर से, क्योंकि मेरे पास हैंड ग्राइंडर नहीं है। अगर हैंड मिक्सर आप लोग के पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप भी मेरी तरह ऐसे विस्कर से करें। तो मैंने उसको इतना अच्छा, मतलब इतना देर तक मैं फेंटूँगी जब तक उसका क्रीमी सा टेक्सचर ना हो जाए। जैसे आपका ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, जो वो बिस्किट का जो क्रम है, आप इसके ऊपर में ये चीज़ को लगा दें। सो मैंने चीज़ स्प्रेड कर लिया है, अब मैं उसको सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए। मीनवाइल मैं अपनी रूम की सफाई कर लेती हूँ। और अभी मेरी रूम की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। सो मैं सबसे पहले ये बेडशीट चेंज करूँगी, डॉल को जगह पे रखूँगी, जो चीज़ें उसके जगह पे नहीं है तो ये सब चीज़ें मैं जगह पे रखूँगी। और 2 दिन से ये कपड़े पड़े हुए थे तो उसको भी जो सूख गया है वो देख दाख के मैं उसको भी जगह में रखूँगी। तो ऑल ओवर मुझे रूम की डीप क्लीन करनी पड़ेगी। सो खैर यहाँ पर मैंने रूम को अच्छे से सजा दिया है, कुछ मैंने डेकोरेशन भी किया है और साथ में झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने कारपेट भी बिछा दिया है। फिर भी मुझे कुछ कमी सा लग रहा था, मुझे लगा कि कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये मैंने इकरा के लिए लिया था टॉय बॉक्स। तो खैर अभी तो वो कुछ चीज़ नहीं रखती है, तो ये मैंने अपने लिए बना दिया। ये मेरे जो DIY की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं बलून ढूंढ रही थी कि मुझे हार्ट शेप बलून मिल जाए, बट हार्ट शेप तो नहीं मिला, मुझे राउंड शेप बलून मिला। तो मैं सोची चलो यही मैं ब्लो करके मैं रख देती हूँ। सो ये है। सो ये इकरे के लिए मैंने निकाला है, एक ही बार वो पहनी थी, इसके बाद ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं सोची कि आज पहना दूँ, उससे पहले इसको छोटा ना हो जाए। और मैं सोची कि मैं फिर अच्छे से सूट निकाल के प्रॉपर तैयार हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं रहा, अब बहुत बिजी हो गई थी। तो मैं सोची चलो ये टी शर्ट ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी न्यू थे तो मैं सिर्फ वही पहन लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत समान हो गया हमको प्रॉपर सूट में विथ मेकअप देखने का, तो मैं तैयार वैसे नहीं होती। मैं सोची फिर कभी मैं कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरा केक जो है सेट हो गया था। अब मैं जो लास्ट स्टेप था वो मैं करूँगी, स्ट्रॉबेरी में ऐड कर दूँगी। और तब तक वो सेट हो रहा था, मैंने ना आलू बॉईल कर लिया था, गोश्त मेरा गल रहा है बिरयानी के लिए, तो ये सभी मैंने कर लिया था।
तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मैंने स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि मेरा ये मोल्ड बड़ा है तो चीज़ केक का जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। अगर मेरे पास छोटा मोल्ड होता तो बहुत खूबसूरत ये केक लगता। सो अब मैं बना रही हूँ कबाब, कबाब की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा चावल चढ़ा हुआ है बिरयानी के लिए, तो तब तक मैं सोची कबाब भी बना के रख दूँ। और अभी तक मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, बस रास्ते ही में है, क्योंकि आज संडे है। यहाँ पर संडे से वीक स्टार्ट हो जाता है ऑफिस का, तो वो बस ऑफिस से आ ही रहे थे। मैं बोली कि तब तक मैं इसको कबाब का शेप दे के रख देती हूँ। सो ये था, तो कबाब को मैंने शेप दे दिया है। तो आज का जो बिरयानी है, मैं बहुत स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ, लाइक उसमें मैं काजू और मावा वगैरह दे दा के मैं बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने काजू में दूध और चीनी दोनों एक साथ ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं उसको ग्राइंड कर दूँगी।